इन प्रीवियस वीडियो हमने देखे थे यूज ऑफ an. an इज अ इनडेफिनेट आर्टिकल एंड टुडे लेट्स सी यूज ऑफ सम एंड द. ओके, यूज ऑफ द, हम द कहाँ यूज करते हैं. टेक एग्जाम्पल, देयर इज अ पेन. अनदर एग्जाम्पल, द पेन इज अ बटरफ्लो. ओके, देयर इज अ पेन, यहाँ पे अ पेन, यहाँ पे कोई भी पेन. देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यहाँ पे अ पेन कौन सी भी होगी. बट इन द अनदर सेंटेंस, द पेन इज अ बटरफ्लो, द पेन इज अ बटरफ्लो, यहाँ पे पेन निश्चित हो गई कि वो कौन सी थी, कौन सी, बटरफ्लो. मीन्स द इज अ इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, लेट्स सी यूज ऑफ द ए एंड इज अ डेफिनेट आर्टिकल. And the definite the is a definite articles. And is indefinite articles. Then we use the to denote a particular person or thing or one already mentioned. Take example, the chair you gave me a loss. The chair you gave me a loss. The chair is the definite articles here. Chair is the definite. यहाँ पे निश्चित हो गया कि क्या गुम हो गया. Chair. The chair. You gave me a last lecture. The is a definite articles. I hate the girls. I hate the girls. यहाँ पे क्या है, किसे hate कर रहा है, girl. यानी यहाँ पे the is a definite articles here. We shall go to the music. Where we go? Where we go? We shall go to the music. वो कहाँ जा रहे हैं? The is a definite article. Music के सामने definite article. Second rule is with superlative. Superlative degree, you all of you know, positive, comparative, superlative, good, better, best. ये सब क्या है? Degree है. इन डिग्रियों में से जो superlative degree है, okay, उसमें हम उसके सामने भी क्या लगाते हैं? The लगाते हैं. Take example, he is the best student in our class. He is the best student in our class. Okay, he is the best player in the world. Sachin Tendulkar is the best cricketer. The best. Best ही क्या है? Superlative degree है. इसके सामने the लगा है. Next, third rule of use of the. With names of rivers, seas and groups of island, mountain and newspaper. इनके सामने भी the use होता है. The name with the names of river. River, Ganga river, Yamuna, the Ganga, the Godavari, at this. Then seas, Red Sea, and newspaper, the Time of India. इस तरह से हमने ये जो पढ़ी है ना, with the names of rivers, seas, इनके सामने भी the का use होता है. And fourth rule is before names of certain books. Before names of certain books के भी सामने the का use किया जाता है. Take example, the Ramayana, the Vedas and the Puranas. Okay, now next rule is with nouns that are unique. जो चीज unique है उसके सामने भी the use किया जाता है. Take example, earth. Earth ही unique है. एक बहुत सारी earth है क्या ना, only one is earth. Okay, एक ही earth है तो उसके सामने भी the earth, the moon, the milky way, इसके सामने भी the का use किया जाता है. With the names of musical instrument, के भी सामने इसका यह the use किया जाता है. The flute, the violin and the piano. Okay, of one family, जैसे बहुत ही famous family, जैसे हमारे गांधी जी, नेहरू जी, तो उनके सामने the गांधी, the नेहरू, इस तरह से फैमिलीज के भी सामने हम द का यूज करते हैं. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू ऑल दिस रूल्स ऑफ यूजेस ऑफ द. ओके, दस मीन्स द कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? टू डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑन वन ऑलरेडी मेंशन्ड. सेकंड रूल इज विद सुपरलेटिव डिग्री के सामने. देन विद नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ग्रुप्स, आइलैंड, माउंटेन एंड न्यूज़पेपर, इनके सामने भी द का यूज किया जाता है. देन द फोर्थ रूल इज बिफोर नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, कुछ ऐसे सर्टन बुक्स है, रामायण, वेदास एंड पुराणास, इनके सामने भी द यूज किया जाता है. विद नाउंस दैट आर यूनिक, जो चीज यूनिक है, नाउंस यूनिक है, उनके सामने भी द का यूज किया जाता है. विद नाउन ऑफ म्यूजिकल
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके सामने भी द का यूज किया जाता है। कुछ फेमस फैमिलीज है उनको भी मेंशन करने के लिए उनके सामने द का यूज किया जाता है। दिस इज द रूल ऑफ यूज ऑफ द, दिस इज द यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। लेट्स सी द यूज ऑफ स। ऑलराइट, इन प्रीवियस वीडियो हमने देखे थे यूज ऑफ द, एंड इन दिस वीडियो लेट्स सी यूज ऑफ सम। यूज ऑफ सम, ए एंड इज द डेफिनेट आर्टिकल, ओके द इज द डेफिनेट आर्टिकल्स, बट वेयर वी यूज सम, सम हम कहां यूज करते हैं? सम इज यूज एज द प्लूरल ऑफ ए एंड, इट मीन्स अ सर्टेन नंबर्स ऑफ दैट नाउन। सम हम कहां यूज करते हैं? ए एंड, ए एंड सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल, ए एंड सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल, एंड इट मीन्स अ सर्टेन नंबर्स ऑफ दैट नाउन। कुछ ऐसे सर्टेन नंबर्स के लिए भी हम सम यूज करते हैं। टेक एग्जांपल, अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन यहाँ पे इज काउंटेबल, अ नाउन इज अ वर्ड। Some nouns are countable. Some nouns are countable. Here, look here. Some nouns is countable. Some nouns are countable. Take another example. A student is not always good. A student is not always good. Is it happen? Some students are very naughty. Some students are very naughty. And countable is a plural of an. Plural of an, yani a is a singular here, but a is the plural form some. Some student, a student, some students. Okay, are very naughty. So here, यहाँ पे हमने some use किया है. Some is also used with uncountable nouns. Some is also used with uncountable nouns. Take example, give me some bread. Bread can we count? No, one bread, two one, no. So it's now give me some bread. And before of bread, क्या लिखे हमने? Some. Give me some bread. Okay, I want some grass for my cow. यहाँ पे भी we can not count grass. Okay. So इसलिए यहाँ पे हमने some लिखे. I want some grass for my cow. Let's see exercise of this. Let's see exercise of the uses of sum and the. Okay, then exercise number 3. Fill in the blanks with a and the. First, fill in the blanks. Animal has some. Why fill in the blanks are given in your book? For one by one, let's see. For an animal has a four legs. An animal has a four legs. Before of a, this is words a since start to a is a vowel. A e I o u. इससे सामने आता है and. And please give me some milk. Please give me some milk. Okay, some milk. हमने देखे थे कि some हम कहाँ use करते हैं? Some is used with uncountable nouns. Some is used with uncountable nouns. Is milk. Some milk. There is a some dirt. Some means dirt is uncountable. So right here some. There is some dirt on the plate. Then put a lemon. Put some lemon in my soup. Student can count. A good student is never late. Okay, this is exercise number 3 first. And let's see exercise number 2. Fill in the blanks with a and some. An apple, a vowels start in words. जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है उसके सामने हम क्या लिखते हैं? एन। एन एप्पल हैज अ ए स्वीट टेस्ट। नाउ लेट्स सी सेकंड, फ्रूट इज अ गुड टू ईट। फ्रूट के सामने कुछ भी नहीं लिखते, वहां पे हमें क्रॉस भी करना है, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, देन नाइफ इज अ मेड ऑफ मेटल। नाइफ इज मेड ऑफ मेटल। अ ए नाइफ, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। Then snakes are not poison. Snakes, some snakes are not poison. Snakes are not poison. Clear, right? So, let's see exercise number 4. Fill in the blanks with a and some the. Okay, a child ran across the street. A child ran across the
street. There is a garden behind the house. Alright. And I have a pencil and a pen and a pencil. Now let's see exercise number 2. Fill in the blanks in A and some the. Mary wants a doll with blue eyes. The यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता, यहाँ पे हमें cross करना है. Vegetables are good for. यहाँ पे भी healthy, इसमें cross करना है. I want a glass of cross milk. Like this, you have to solve your all exercise in your book. 1, 2, 3. I have to solve on this blackboard, but. More examples are given in your book and you have to solve in your notebook.